हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है। जितने भी एसएससी सीएचएसएल के एस्पिरेंट्स हैं ना, टीयर वन के 2022 के, उनके लिए आप लोगों का ये बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स और मैसेज आ रहे हैं, भैया कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया, टीयर टू कब तक होने वाला है। तो सारी की सारी अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। मैंने आप लोगों को जितनी भी चीज़ें बताता हूँ ना, हमेशा अभी क्या हुआ था, सीजीएल का आपका रिजल्ट आया था, टीयर टू का यानी कि फाइनल रिजल्ट आया था, जिसमें कि कट ऑफ की अगर बात करते तो कट ऑफ बहुत हाई गई थी। और ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखी थी, आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपकी कट ऑफ जो है हाई जाने वाली है, और कहीं ना कहीं जो है मैंने सारी की सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हुई हैं कि कितनी कट ऑफ आप लोगों की गई है और कितनी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो इतना नज़दीक का कट ऑफ किसी ने भी नहीं बताया होगा पूरे यूट्यूब के ऊपर, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब बात कर लेते हैं सीएचएसएल टीयर वन का आपका रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो मैंने आपको बताया था कि 21 मई से पहले पहले आपका रिजल्ट जो आपको देखने के लिए मिल सकता है, 90% चांसेस है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका सीएचएसएल 2023 का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसके अंदर फॉर्म फिल हो रहे हैं। अगर फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म फिल कर दीजिए। आपको पता है कि वैकेंसी सीएचएसएल 2022 के अंदर कितनी थी, मात्र 4500 वैकेंसी, लेकिन 2023 के अंदर कितनी वैकेंसी आई है, 1600 वैकेंसी। भाई बहुत कम वैकेंसी है, डेफिनेटली आपकी कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। ऐसे में आप लोगों को तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना मैं आपको बताता रहता हूँ उनको फॉलो करना पड़ेगा। बुक्स के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दिशा पब्लिकेशन की दो किताबें आई हैं, ये है आपकी कंप्लीट गाइड और ये है आपका प्रीवियस ईयर पेपर। और इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर चारों सेक्शन दिए गए हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये है आपका रीजनिंग का सेक्शन, उसके बाद है आपका क्वांट्स का सेक्शन, फिर है आपका यहाँ पर इंग्लिश, और फिर है आपका यहाँ पर जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या किया गया है, लेटेस्ट करंट अफेयर्स इसमें ऐड किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे आपको इस तरह से। ठीक है, सारे के सारे लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आपकी यहाँ पर ये बुक है। करंट अफेयर्स आपको लेटेस्ट वाला मिल जाएगा, जनरल अवेयरनेस में भी सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर लेटेस्ट वाले दिए गए हैं। सॉल्यूशन इनका जो है बहुत डिटेल में दिया गया है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि आप लोगों को सारा प्रीवियस ईयर भी मिल रहा है, जिसमें कि आपका 5 साल का प्रीवियस ईयर इसमें दिया गया है। और अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो डिटेल में आप लोगों को सारे के सारे सॉल्यूशन इसमें समझाए गए हैं। पूरी बुक आपको चैप्टर वाइज इस तरह से दी गई है, और यहाँ पर आपको 3 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, इसको आप लोग यहाँ पर रिडीम कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, ये स्टेप्स फॉलो करके। ये है 12 इयर्स का आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर सीएचएसएल के लिए, टीयर वन के लिए। जितने भी आपके पेपर इसमें हुए हैं ना 12 सालों के अंदर, वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे विद 100% डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड शॉर्टकट्स और एग्जांपल्स। दिस बुक ऑल्सो प्रोवाइड द ट्रेंड एनालिसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। बुक के अंदर आपको जेन्युइन क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और इसका जो सॉल्यूशन है बहुत कमाल का इसमें दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। आपको एग्जांपल भी दिए गए हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई गई हैं। दोनों बुक्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और पिन कमेंट में मैंने पिन कर दिया है, तो आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं, आपकी जो तैयारी है बहुत बेहतरीन हो जाएगी। बाकी आप लोगों को पता है कि आपका सीजीएल 2023 का भी जुलाई के अंदर होने वाला है, साथ में आपका सीएचएसएल 2023 का टीयर वन होने वाला है, और सीएचएसएल 2022 का टीयर टू भी आप लोगों का बिल्कुल होने ही वाला है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जामिनेशन से आप लोगों को बुक्स परचेस करनी चाहिए, अच्छी किताबें होनी चाहिए, जिससे कि आपका जो तैयारी है और लोगों से अलग हो जाए। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी है वीडियो के अंदर। आपका रिजल्ट आप लोगों का 21 मई से पहले पहले आपका आ सकता है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि सीएचएसएल 2022 का टीयर टू, इसकी जो डेट है आप लोगों को जल्दी बता दूंगा कि कब तक आपका जो है ये कंडक्ट करवाया जाएगा, है ना। लगभग आपका 1 महीना आपको दिया जाएगा, 1 महीना या लगभग 1.5 महीना, 1.5 महीने के अंदर आपका पेपर करवा लिया जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा उससे आप 1 या 1.5 महीने लगा लीजिए, आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो तैयारी अच्छे से करते रहिए। उसके बाद सीएचएसएल 2023 भी आ रहा है, तो उसकी तैयारी भी आप लोगों को अभी से करनी है। वैकेंसी 1600 है, मात्र 1600 वैकेंसी है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, पहले से ही आप लोगों को मिलती रहती हैं। बाकी वीडियो में इतना ही है। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो अपने भाई से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ जाना, वहाँ पर आपको मैं बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, तो जय हिंद, वंदे मातरम।